गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी चैप्टर सेकेंड ऑफ जीके, एनिमल्स एंड देयर यंग वंस, डोमेस्टिक एनिमल के बारे में। डोमेस्टिक यानी पालतू जानवर। तो अभी हम लोग यंग वंस का मतलब होता है उनके बच्चे, एनिमल्स एंड देयर यंग वंस का मतलब होता है उस एनिमल का बच्चा। सो माई बेबी इज़ कॉल्ड अ पपी। यहाँ पे एनिमल डिस्क्राइब कर रही है कि माई बेबी इज़ कॉल्ड पपी, मेरे बेबी, मेरा या जो बच्चा है उसे पपी कहते हैं। तो वो कौन सा जानवर है? तो वो है डॉग। ऑल राइट स्टूडेंट्स, नाउ सेकेंड, माई बॉडी इज़ कॉल्ड अ डकलिंग। सॉरी, माई बेबी इज़ कॉल्ड अ डकलिंग। यहाँ पे बोल रही है कि मेरे बेबी को यानी मेरे बच्चे को डकलिंग कहते हैं। तो वो एनिमल कौन सा है? सो द एनिमल इज डक। तो उसी तरीके से पॉज द वीडियो एंड देन राइट। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस चैप्टर यू विल गेट एक्सरसाइज ऑल्सो। सो हेयर इज द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट, सॉल्व द क्रॉसवर्ड। क्रॉसवर्ड को सॉल्व करना है। अक्रॉस एंड डाउन। अक्रॉस मीन्स ऐसे एंड डाउन मीन्स डाउन, नीचे की ओर। अक्रॉस यानी कि क्रॉस करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द यंग वन ऑफ अ डॉग। अक्रॉस में यानी फर्स्ट नंबर अक्रॉस में होना चाहिए क्या? दिस इज द यंग वन ऑफ अ डॉग। डॉग का जो छोटा बच्चा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सो हम लोगों ने पढ़ा है कि यहाँ पे इसे पपी कहते हैं। डॉग के यंग वन को हम लोग पपी कहते हैं। तो यहाँ पे आपको फील करना है, यहाँ हो जाएगा अक्रॉस वन नंबर में, यहाँ वन लिखा हुआ है तो यहाँ पपी हो जाएगा। सो सिमिलरली आपको सब करना है, मैंने ऑलरेडी कर रखा है। आपको वीडियो पॉज करना है एंड देन आपको राइट इट डाउन इन योर कॉपी एंड बुक ऑल्सो। नाउ द सेकेंड इज ऑब्जर्व द पिक्चर एंड अनस्क्रैम्बल द लेटर। आपको क्या करना है? पिक्चर देख के अनस्क्रैम्बल करना है पिक्चर को, यानी यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है आपको सीधा करना है। उल्टा लिखा हुआ है, स्पेलिंग इधर उधर किया हुआ है। एक्सक्यूज मी। सो यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको करेक्ट करके लिखना है। चिक, यहाँ पे आपको इमेज में क्या दिख रहा है? चिक। सो चिक का स्पेलिंग क्या होता है? CHICK। तो यहाँ से सुधार के यहाँ लिखना है, उसी तरीके से यहाँ। सो ऐसे ही करना है आपको। सो दिस इज द एक्सरसाइज।